सरदार नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी अपने बड़बोलेपन, अपनी घटिया बयानबाजी वे अपनी पार्टियों के खिलाफ बोलने के कारण मशहूर हैं। अरुण जेटली जी, उनके राजनीतिक गुरु जिन्होंने उनको पाला बड़ा किया, उनके खिलाफ बयानबाजी करना, उनकी पीठ में छुरा घोंपना, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ वो पहले ही छुरा घोंप चुके। अब कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिनको वो अपना पिता समान कहते थे, बीच में अरविंद केजरीवाल के गाने गाते थे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते रहे। आज तक इनका मन कभी भी एक व्यक्ति के प्रति स्थिर नहीं रहा। व्यक्ति और पार्टियों के खिलाफ बोलना और अपनी ही पार्टियों के खिलाफ बोलना, इन दोनों दंपत्ति की, सिद्धू दंपत्ति की आदत है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ पंजाब में मोर्चा खोला है, ऐसा लग रहा है अब उनके कांग्रेस से जाने के दिन आ गए हैं और वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ वो बोल चुके हैं, इसलिए वहां जा नहीं सकते। केजरीवाल साहब के खिलाफ वो बोल चुके हैं, वहां जा नहीं सकते। उनके लिए एक ही पार्टी बची है कि वो पाकिस्तान तहरीक के पार्टी, इमरान खान की पार्टी का इंडियन चैप्टर खोले और अपना राजनीतिक आका इमरान खान को और आईएसआई के चीफ, पाकिस्तान आईएसआई के चीफ बाजवा को बनाए और उनकी सरपरस्ती में हिंदुस्तान में जितना टुकड़े टुकड़े गैंग है, जितने देश को तोड़ने वाले व्यक्ति हैं, उन सबको इकट्ठा करे। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू के पास कोई पार्टी नहीं बची है और नवजोत सिंह सिद्धू का किरदार हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि वो इमरान खान के यार, पाकिस्तान के दलाल, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं। उनकी रैली, उनके जलसों में खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पाकिस्तान के गाने गाते हैं और आज देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ उनकी बयानबाजी से सिद्ध हो चुका है कि अब उनके लिए एक ही स्कोप बचा है, पाकिस्तान तहरीक के पार्टी का इंडियन चैप्टर खोले और उसके अध्यक्ष बने, इमरान खान को और बाजवा को उसका सरपरस्त बनाए और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को इकट्ठा करें। नवजोत सिंह सिद्धू का बड़बोलापन, घटिया सोच और अपने ही नेताओं के खिलाफ बोलने की भाषा व घटिया